देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया, इसे लेकर बहस, तर्क और प्रतीकों की राजनीति का सिलसिला जारी है। इस बीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत की राष्ट्रपति हो गई और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन लोगों की राय इस बात के लिए बेहद मायने रखती है कि देश का नाम एक्चुअल में होना क्या चाहिए, भारत या इंडिया। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं किस बात पर सहमति बनती है, भारत पर या इंडिया पर। सर, देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया, इसे लेकर बहस चल रही है, आपकी क्या राय है? भारत होना चाहिए, बिल्कुल भारत होना चाहिए। हमारा देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, इसका हिंदी नामकरण होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। ये अंग्रेजों को दिया हुआ, अंग्रेजों का पाला पोसा हुआ कांग्रेस, जो कि आज इंडिया नाम से गठबंधन बना रही है अकबका करके, देश को बढ़ता हुआ देख रही, इसलिए देश का नाम भारत अति आवश्यक है, होना ही होना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं, अगर ऐसे आप बात कर रही हैं तो कह रहे हैं तो बहुत सारी योजनाएं तो ऐसी भी हुई हैं जिसमें इंडिया नाम का जिक्र किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, इंडिया साइनिंग या और भी बहुत सारे नाम हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये उचित है? हाँ, उचित है। पहले देश का नाम चेंज कर देना चाहिए, बाकी नाम में क्या रखा है, नाम भी चेंज होना चाहिए। जिस तरह से विदेशी आक्रांता आकर के हमारे यहाँ शहर शहर का नाम अपने मुस्लिम कैटेगरी से मिलता जुलता हुआ रख सकते हैं, तो हम अपना देश का नाम भारत रखने के बाद क्यों नहीं संस्था का नाम हम चेंज कर सकते हैं, उसमें भी भारत हम जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जोड़ना चाहिए भी। नाम बदलने से लगता है कि तस्वीर भी बदलेगी देश की? बिल्कुल बदलेगी, नाम बदलने से तस्वीर भी बदलेगी। आपका नाम क्या है सर? राहुल कुमार सिंह। राहुल जी, अगर आपका नाम हम राम रख दें या आपका नाम श्याम रख दें या आपका नाम कबीर रख दें या दूसरा कोई इल्तुतमिश रख दें, तो क्या लगता है आपका नेचर बदल जाएगा? नहीं, नाम से तो डिपेंड करता है नेचर पे भी। हमारा नाम राहुल, अगर राहुल नाम का आदमी, अगर बहुत राहुल है हमारा नाम, राहुल नाम का आदमी मतलब बहुत ही निंदनीय कोई काज कर दे तो वाकई में उसका हमारा राहुल नाम हटा ही देना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान से हटा ही देना चाहिए। उसी तरह से इंडिया जो आज तक लूटा, अब वो लोग इंडिया नाम रख चुके हैं, इसलिए अब उसका नाम हटाना ही जरूरी है। एक कहावत, अपनी बदनामी होगी अपनी देश की। एक कहावत है, आँख का अंधा नाम नैनसुख, तो नाम क्या लगता है कि नाम बहुत ज़्यादा मायने रखता है काम को लेकर? बिल्कुल रखता है, बिल्कुल नाम, बिल्कुल। आँख के अंधे का नाम नैनसुख है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या अंधे का नाम नैनसुख, मतलब हम समझ नहीं रहे। आँख का अंधा नाम नैनसुख, काम और नाम दोनों में अंतर है। ये हैं, देखिए इन्होंने कहा कि नाम बहुत मायने रखता है, नाम बदलेगा तो तस्वीर भी बदलेगी। आँख का अंधा नाम नैनसुख, ये चीज़, ये बात आपने सुनी होगी, आपको क्या लगता है नाम बदलने से तस्वीर बदलेगी? इंडिया पे बात हो रही है। हाँ, तो इंडिया को बदलकर भारत रखना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया जो नाम है वो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, इसको भारत रखना ही चाहिए हर हाल में। ज़रूरत अब क्यों महसूस हो रही है देश को नाम बदलने की, ज़रूरत इतने वर्षों बाद, सदियों बाद क्यों हो रही है? बोलिए कुछ। आवश्यकता के हिसाब से ज़रूरत बढ़ती है। क्या ऐसी आवश्यकता क्या पड़ गई? ऐसी आवश्यकता यही पड़ गई कि सारे देश के लुटेरे एक साथ हो गए, अपना नाम इंडिया रख लिए, इसीलिए बदलने का ज़रूरत हो गया, अब बदलना ही चाहिए। तो वो इंडिया, आपको लगता है कि वो इंडिया है? INDIA से इंडिया थोड़े हो जाता है? नहीं, नहीं हो जाता है, लेकिन एक चीज़ है ना, मैंने अब इंडिया बोले पब्लिक में तो वही ना मैसेज जाएगा, इंडिया है तो इंडिया सब, हम भी वही सोच रहे हैं। मान लीजिए नहीं नहीं, मान लीजिए किसी चोर का नाम, किसी बदमाश का नाम, किसी व्यभिचारी का नाम अगर राहुल हो जाए, तो क्या आप अपना नाम राहुल से हटा के कुछ और कर लीजिएगा? हाँ, बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। सर, देश में बहस का दौर जारी है, देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया? हाँ, देखिए जैसा अपना अपना मत है, भारत प्राचीन से एक सभ्य समाज रहा है और यहाँ के लोग भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, कई नामों से भारत को जाना जाता था। प्राचीन नाम भारत ही है। इसको कुछ जो हमारे विदेश से हम पर आकर के शासन और सत्ता स्थापित किए, तब से उन्होंने अपना एक नाम दिया, इंडिया। तो मेरा मत है कि
इंडिया को हटा करके ये हमारे गुलामी के प्रतीक चिन्ह जो है इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा भारत, हम भारत से जाने जाएं, यही हमारा विचार होगा। कहना तो सर बिल्कुल जायज़ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि नाम बदल जाने से तस्वीर बदल जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी चीज़ को एक विशेष पहचान उसकी नाम से ही होती है। इसलिए हमारा पहचान भारत ही है और भारत होना चाहिए। सर सियासत में बहस चल रही है, बहस का बड़ा मुद्दा है, देश का नाम इंडिया नहीं भारत होगा, आपकी क्या राय है? भारत ही होना चाहिए, भारत है, भारत ही रहना चाहिए, उसको नाम इंडिया बदलना नहीं चाहिए। इंडिया तो इसका नाम बहुत पहले से चलता आ रहा है। तुम पहले से आ रहा है तो उसका तो है ही है इंडिया, अभी तो भारत, हम लोग भारत। आपकी पसंद क्या है? हमारा भारत देश ही पसंद है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं भारत और इंडिया को लेकर के। सर देश में इन दिनों एक बात को लेकर बहुत तेज बहस चल रही है, इंडिया और भारत को लेकर, आपको मतलब क्या लग रहा है देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया या भारत? इंडिया चाहे भारत दोनों तो एक ही है, हैं भारत और इंडिया तो दोनों एक है, इंग्लिश में इंडिया है और हिंदी में भारत है, तो हमको तो भारत ही ना चाहिए, इंडिया ही चाहिए, भारत चाहिए, दोनों मतलब दोनों स्वीकार्य है। हाँ स्वीकार है, दोनों है, भारत इंडिया दोनों ठीक है। अब पार्टी लेवल के बात आती है जहाँ तक हैं, तो पार्टी लेवल के बात आती है तो समझिए कि चाहिए जे बदलाव तो ज़रूर चाहिए ना, बदलाव ज़रूर चाहिए। अगर इंडिया कहा जाता है तो भी आपको स्वीकार है और भारत कहा जाता है तो भी आपको? हाँ स्वीकार है, मेरा बदलने वाला है, भारत और इंडिया थोड़ी बदलेगा, कहीं बदल ही नहीं सकता है, इसके लिए धन्यवाद। देखिए पढ़े लिखे युवा हैं, इनसे एक बार बात करते हैं। सर देश में एक बड़ी बहस चल रही है देश का नाम इंडिया से भारत किए जाने को लेकर के, आपकी क्या राय है? कुछ गलत नहीं है, पहले से ही ऑलरेडी है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, पहले से भी भारत हम जानते हैं, नेचुरल है, इसमें कुछ इफ एंड बट वाली बात नहीं है। इंडिया कहिए, भारत कहिए, आर्यावर्त कहिए, कुछ भी कहिए, हिंदुस्तान कहिए, शुरू से ही रहा है, सभी कोई जानता है, लेकिन हाँ फॉरेन में इंडिया को ही जानते हैं मैक्सिमम लोग। लेकिन अभी हाल के दिनों में जो बहस चल रही है, इस बहस को आप किस रूप में ले रहे हैं? ये सब बेतुका बहस है, इस सबसे कुछ होने जाने वाला है नहीं, ये सब जस्ट पॉलिटिकल ड्रामा है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ है नहीं जाने, कुछ भी नहीं है इसमें, भारत हो या इंडिया हो आस्था बराबर रहेगी। सभी जानते हैं, जितने बाहर वाले भी जानते हैं कि इनका इंडिया का अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग कल्चर है, इसमें कुछ नया है नहीं कहने। तो ये जो बहस हो रही है बेतुकी है, बेतुकी है, बिना काम का, वो चुनाव भी है इसके वजह से भी ये सब हो रहा है और कुछ नहीं है सर। देश में इन दिनों एक बड़ी बहस चल रही है देश का नाम बदले जाने को लेकर के, इंडिया से भारत किए जाने को लेकर के। अभी एक पत्र में जैसा कि दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह भारत की राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह भारत के प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है, तो ये नाम अगर बदला जाता है तो कैसा है? देखिए ये तो असल है पॉलिटिशियन का सब बहस है, उन लोगों के मामले में हम लोग क्या कह सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारा देश कल भी महान था और इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत के नाम से जाना जाता है, हमको अपने भारत और अपने इंडिया पर ही अभिमान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है नाम से। नहीं पड़ता है नाम बदलने में, आदमी है पढ़े लिखे लोगों से ही अगर बात किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर अभी देश में एक बहस चल रही है देश का नाम इंडिया से भारत किए जाने को लेकर के, आप क्या? ये सब राजनीतिक एजेंडा है, एजेंडा अपनी अपनी पार्टी अपनी अपनी एजेंडा बनाती है, वो उसके खिलाफ बोलेगी। अभी कोई भी पार्टी बेरोजगारी, नौकरी और शिक्षा पर कोई नहीं बोल रहा है, एक भी पार्टी। मेरे देश का मेन मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, भूखमरी, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, सब कुछ डंका पीट के आ जाते हैं कि हम इतना रोजगार देंगे, इतना ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, महंगाई से त्रस्त है जनता, अब वोट आता है तो 200 रुपया कम करेंगे, फिर 400-500 रुपया बढ़ा देंगे, तो इस सब खाली सरकार का आती है पब्लिक को बर्बाद करने का, और बर्बाद कर रहे हैं, और कोई अति नहीं है, नाम में कुछ भी नहीं रखा है, नाम में कुछ भी नहीं रखा है, काम मिलेगा, भूख आपका अगर पेट जल रहा है तो आप नाम नहीं लीजिएगा। सर देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत? मुख्य रूप से कहा जाए तो भारत ही होना चाहिए।
नाम मायने रखता है? नाम बहुत मायने रखता है। तो क्या लगता है इंडिया से भारत हो जाने के बाद तस्वीर बदल जाएगी, देश की तस्वीर बदलेगी? कुछ तो लोगों में बदलाव आएगा। देश की तस्वीर बदलेगी या नहीं, जो मूलभूत जरूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो उनमें सुधार होगा कि नहीं नाम बदलने से? उनमें सुधार लोग चाहें तो जरूर आ जाएगा। और भी एक भाई जी हैं हमारे साथ। देश में बहस चल रही है देश का नाम इंडिया से भारत किए जाने को लेकर के, आपकी क्या राय है? इंडिया की भारत तो पहले ही संविधान में लिखा हुआ कि इंडिया डेट इज भारत, इसमें कहना क्या है, भारत है तो भारत रहेगा। नाम बदलने को वो तो है, नाम जो है वो तो है, लेकिन बहस चल रही है कि नहीं इंडिया कहीं नहीं रहेगा, भारत ही रहेगा। भारत को कौन बदल सकता है, ऑलरेडी इंडिया को ऐसे अन्य नामों से जाना जाता है, लेकिन भारत तो भारत ही रहेगा। कागजी तौर पर जहाँ कागज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वहाँ भारत के प्रधानमंत्री, भारत की राष्ट्रपति या भारत की सरकार, ये करने की बात हो रही है, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा देश में नाम बदले जाने से? नाम बदलने से क्या होता है, भारत में अगर उस तरह के अगर वर्क हो, भारत में अगर शिक्षा की बात हो या रोजगार की बात हो, तो नाम बदलने से थोड़ी कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसे इफेक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल लोग अपना इफेक्ट डालते हैं इस पर। नाम मायने नहीं रखता, मायने काम रखता है। काम रखता है। अब अभी देखिए देश में बड़ी बहस चल रही है इंडिया को भारत किए जाने को लेकर के, ये सियासी बहस चल रही है, आप लोग आम आदमी हैं, आपका क्या राय है? हम तो यही सुनते आए हैं कि इंडिया भारत एक ही है, ये है, अभी क्या अलग अलग हो रहा है पता नहीं, क्या चीज़ कर रहे हैं क्या नहीं, इसके बारे में तो कुछ हमको जानकारी नहीं हो पा रहा है। देखिए भारत, समझा दीजिए कि इंडिया भारत क्या है। सर ये तो सर उन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग इस पर बहस कर रहे हैं, ये सवाल तो, ये सवाल जो है आपका वाजिब है, लाजमी है, और ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए। क्या बोलिएगा, ये क्या है, इसको ये भारत का झंडा बोलिए चाहे इंडिया का झंडा बोलिए, तो फिर इसमें क्या नाम छोड़ रहा है, इसमें क्या लड़ाई करना है, और कड़े वाला नेता कड़े लड़ाई सारे को, आम आदमी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ नहीं एकदम। और भी कुछ लोग हैं भैया, अभी देश में बहस चल रही है देश का नाम जो है इंडिया से भारत किए जाने को लेकर के, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए वैसे तो पब्लिक को इससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ती नहीं है, बट अगर मान लो चेंज हो भी जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, भारत भी ठीक है इंडिया भी ठीक है, दोनों में कोई परहेज नहीं है, दोनों नाम हमको स्वीकार्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर सियासी बहस चल रही है, उस बहस को लेकर क्या? देखिए सियासत का तो उनका काम ही है बहस करना, एक दूसरे का खिंचाई करना, तो वो अपनी जगह सही है, हम लोग अपनी जगह सही हैं, मतलब किसी में ऐतराज नहीं है, अगर इंडिया है तो भी और भारत है, इंडिया है तो भी हमको स्वीकार है, और अगर भारत है तो भी एक्सेप्टेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है अभी इंडिया और भारत को लेकर के, कि नाम देश का जो है वो इंडिया नहीं भारत होना चाहिए, आप क्या सोच रखते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, अगर किसी कालखंड में कोई चीज़ें चेंज हुई है तो उसको फिर से पुनः स्थापित करने में क्या दिक्कत है, और हम भारत बोले या इंडिया बोले फ़र्क क्या पड़ता है, दोनों तो एक ही है, तो इंडिया और भारत में इसमें कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा सिर्फ है कि सामने किसी को विरोध करना है किसी भी मुद्दा पर, और कोई इशू नहीं। क्या लगता है सर, अगर इंडिया से भारत नाम कर दिया जाएगा तो जो तस्वीर है अभी उजड़े हुए भारत की, वो पुनर्स्थापित हो जाएगी, एक बेहतर भारत बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा, अगर हमारी संस्कृति जो पहले थी वो क्या ख़राब थी, क्या उससे हमारी पहचान नहीं थी, तो आज क्या चेंज हो जाने से सभी चीज़ बदल जाएंगी, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया से भारत होने पर भारत में क्या क्या, देश में क्या क्या बदल सकता है, आपको क्या लग रहा है, इंडिया से अगर सिर्फ नाम इंडिया से भारत कर दिए तो क्या क्या बदल सकता है? नहीं, मुद्दा ये नहीं है कि भारत से इंडिया कर दिए या इंडिया से भारत कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया बोले या भारत बोले, लेकिन अगर भारत होता भी है तो इसमें तकलीफ क्या, दिक्कत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, उससे ये कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक है पॉलिटिकल बात है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए, भारत होना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे नहीं हिंदुस्तान होना चाहिए, इंडिया भी नहीं होना चाहिए, भारत नाम बदलने से ज़्यादा मायने तस्वीर बदलना रखता है। तस्वीर बदलना होता है कि कितने ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं,
और कितनी तस्वीरें बदल रही है, ये मायने रखता है, नाम मायने नहीं रखता। तो आपने सुना, लोगों ने साफ कहा, नाम में क्या रखा है, भारत कहो या इंडिया, नाम बदलने में कुछ भी नहीं। बदलना है तो देश की तस्वीर और सोच को बदलिए। अभय पांडे, सीटीओ न्यूज़।